आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अर्थात हम किसी सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। सबसे पहले आता सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, अर्थात प्रत्येक सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। जैसे द डूअर ऑफ द एक्शन, कार्य करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। काउ ईट्स ग्रास, मीना गोज टू स्कूल, द मैकेनिक रिपेयर द बाइक, सॉरी द मैकेनिक रिपेयर द कार, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, ही हैड सॉल्वड द मिस्ट्री ऑफ रिंगिंग बेल। इन सभी सेंटेंसेस में जो रेड कलर के वर्ड्स हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार बाकी जो बच रहे हैं ब्लैक कलर में, जो वर्ड बच रहे हैं, वो सारे प्रिडिकेट होते हैं, जिसे आगे देखते हैं। प्रिडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर बनते हैं, अर्थात द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जैसे श्याम क्लीन्ड द केटल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द केट किल्ड द माउस, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, बीज मेक हनी। यहाँ पर रेड कलर के अंडरलाइन वर्ड्स सारे के सारे प्रीडिकेट कहलाते हैं, और इनके आगे जो ब्लैक कलर के वर्ड हैं वो सब्जेक्ट हैं, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ लिए हैं। तो ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की जानकारी हम इस चैप्टर में, इसको इंग्लिश में बताने के लिए अब ये कुछ एक्सरसाइज है, ये हमें करनी है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सभी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है। इसी पर हमारे पास दूसरा एक्सरसाइज है, उसमें आपको सभी सेंटेंसेस के जो प्रेडिकेट है उन पे आपको अंडरलाइन करनी है। थैंक यू।